मोदी जी कैसा नेता लगते हैं आपको? देखिए मेरा अगला सवाल भी यही है कि सर राहुल गांधी कैसे लगते हैं? हाँ, दोनों की बात। कीर्ति को एक बात का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मौसम बिल्कुल ठंडा है, पिछली बार सर पसीने छूट रहे थे। मुझे लगता है शायद ये आपके लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। क्रिकेट वगैरह खेलते हैं आप? अरे सर, वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच देखा कि नहीं देखा? 19 नवंबर का बदला ले लिया रोहित शर्मा ने। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया को हराया है अभी रिसेंटली? जी जी जी। तो उसका इंटरेस्ट क्या है? अगर उसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है तो उसको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, दीपक सर का इंटरेस्ट क्या था शुरू में जब वो पढ़ाई करते थे? पिछले साल में और इस साल में कई चीज़ों के कोर्स में वृद्धि हुई है। मैं उसके लिए तो सर बधाई दूंगा क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी था। होटल मैनेजमेंट का अपने पूरे पूर्वांचल में, मुझे पूर्वांचल अगर मैं बेसिकली गोरखपुर की बात करूँ, आप जब तक जुनून की हद पे नहीं जाएंगे जी, तब तक आपको मान कर चलिए सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी जी। सिद्धांत है कि बुद्धा में एक बच्चा एक पौधा। हम अपने बच्चों के लिए जो है अच्छी अच्छी गाड़ियाँ अच्छे अच्छे घर बनवा रहे हैं लेकिन उनके सांस लेने की व्यवस्था हम नहीं कर रहे हैं। कैंपस सिलेक्शन, कैंपस सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। 1254 बच्चों का जो हमारे यहाँ से सर बहुत है। बड़ी बात है। 1214 बच्चे मतलब 54 बच्चे 1254 हम गोरखपुर छोड़कर क्यों जाएं? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं VIT और आज इंटरव्यू है मिस्टर दीपक अग्रवाल सर का जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं VIT के। ये इंटरव्यू बहुत ख़ास होने वाला है और कैसे होने वाला है और किस तरह से होने वाला है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो वीडियो देखते जाइएगा। गोरखपुर में बहुत कुछ खास हो रहा है और उस खास की तलाश में लगातार इनसाइड भारत TV खास करके कि मैं लगातार चल रहा हूँ और आप तक पहुँचाऊँगा वो तमाम चीज़ें जो गोरखपुर को आम से खास बनाती हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो VIT के कैंपस में हम लोग पहुंच चुके हैं और देखिए ये भगवान बुद्ध का कितना खूबसूरत सा यहाँ पे मैदम मेन गेट पे ही मूर्ति लगाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन ऐसे कैंपस में पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो गर्मी बढ़ चुकी है, चलिए अब सर से मिलेंगे और सर से मिलके बातचीत करेंगे। बड़ा अच्छा ये लगता है कि जब सबसे पहले जब हम लोग ना अपने दिनों में जब पढ़ाई करते थे तो सबसे बड़ी जो समस्या होती थी BTEC अगर प्राइवेट से करना होता था तो बड़ी समस्या होती थी कि कहाँ जाएं। तो हम लोग को बस यही आ जाता था नोएडा चला जाए, मेरठ चला जाए और बड़े बड़े शहरों में चला जाए। लेकिन VIT जब गोरखपुर में आता है तो VIT के आने की वजह से ये सारे मामले हल्के हो जाते हैं। अब सीधा कैंपस में चलते हैं। आप शीशे के रास्ते देख सकते हैं सर बैठे हुए हैं एंड हम लोग भी रेडी हैं इंटरव्यू के लिए। जाएंगे सर से मिलेंगे और इंटरव्यू आपका शुरू हो जाएगा। बाकी यह इंटरव्यू बहुत ख़ास होने वाला है, बहुत ही अलग तरीके से हम आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। सर आ जाएं। नमस्ते सर। सर इंटरव्यू कब शुरू करें, मतलब कि अभी कर लें या फिर थोड़ी देर बाद कर लेते हैं? तो दीपक सर यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब हम इनका इंटरव्यू शुरू करेंगे। VIT कैंपस में है इस वक्त हम लोग और कैंपस के चारों तरफ का माहौल हमने आपको दिखाया। बाकी जो है सर से बातचीत शुरू होगी, थोड़ी ही देर में हम लोग ये बातचीत शुरू कर देंगे। तो सर स्वागत है आपका एक बार फिर से इनसाइड भारत TV पे दूसरी बार। थैंक यू। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया। अपना बताइए। ठीक हूँ सर, पिछले साल मुलाकात हुई थी, मुझे लगा कि इस बार भी मुलाकात कर लेते हैं। जी। पिछली बार जब हम लोग मिले थे बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई थी। जी, चर्चा ये हुई थी कि किस तरह से VIT काम कर रहा है, चर्चा ये हुई थी कि VIT का कैंपस कितना खूबसूरत है, चर्चा ये हुई थी कि बच्चों को जो है सिलेक्शन को लेके जैसे कि अगर उनको अपने फील्ड चूज करना है तो कितनी बातें हों, किस तरह की बातें हों, वो अपना माइंड सेट कैसे बनाए, उनका इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है, ये तमाम विषय पर हम लोगों ने चर्चा किया था। जी, जब आपके पास बच्चे आते हैं तो किस तरह की उम्मीद लेके आते हैं? सबसे पहले जब बच्चा यहाँ पर आता है, कंफ्यूजन वाला एंगल सर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बच्चों के अंदर। इस पूरी व्यवस्था में सबसे पहले कमज़ोर कड़ी जो हम लोगों की वो है कि बच्चा बहुत इस चीज़ के लिए एजुकेट नहीं है कि उसको करना क्या है। यहाँ पर चीज़ें अपने अनुसार परिवर्तित होती हैं और कह सकते हैं ना देखा देखी के हिसाब से परिवर्तित होती है कि
देखी देखा पाप, देखी देखा पुण्य। तो मौसी की लड़की ने वो किया है तो वो कोर्स मैं भी करूँगा, मामा का लड़का वो कर रहा है तो मैं भी वो करूँगा। मेरे तो यहाँ ये बड़ा होता था। तो हम लोगों के अभी आज यही भी हम लोगों के पूरे इस पूरे एरिया में, मैं खुद मैथ गलती से ले लिया, मैं तो अगर आर्ट की तरफ गया होता तो शायद आईएएस वाईएएस तो बन ही गया होता। तो उसमें ये है ना कि जिसे कहे कि तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे है, मैटर केवल यही है। तो फलाने के लड़के ने देखो इंजीनियरिंग की और आज इतना ऊंचाई पर पहुंच गया तो तुम भी इंजीनियरिंग करो। हम उस बच्चे का इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं कि उसका इंटरेस्ट है क्या। गार्जियन का भी प्रेशर खूब होता है। एग्जैक्टली उसी का ही प्रेशर होता है। अब मछली से कहा जा रहा है कि तुम पेड़ पे चढ़ो और बंदर से कहा जा रहा है तुम नदी में तैरो, दिक्कत तो इस चीज़ की है। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि हम बच्चे का शौक देखें, उसका शौक क्या है, उसको खौफ से चीज़ों को लादे नहीं तो उसका इंटरेस्ट क्या है। अगर उसका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है तो उसको इंजीनियरिंग में जाना अच्छा, चाहिए। मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, दीपक सर का इंटरेस्ट क्या था शुरू में जब वो पढ़ाई करते थे? दीपक सर का तो इंटरेस्ट पढ़ाई का कम एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा था, जो मेरे को भगवान ने दे दिया वही मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप थे पहले से माइंडसेट था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, व्यवस्था संभालना है, प्रशासक के रूप में रहना है, चीज़ों को मैनेज करना है और किसी भी ग्रुप को, व्यवस्था को, डिफरेंट डिफरेंट जो भी चीज़ें होंगी उसको हैंडल करना है। बड़ा प्यारा बना है सर मुझे, किसी बच्चे ने बनाया है कि कैसे की? हाँ, बच्चों के ग्रुप ने बनाया है, पूरा बच्चों ने बनाया है और उनका ये 6 बच्चों का ग्रुप था, उन्होंने उसको पूरा तैयार अच्छा, किया उनका डिटेल भी दिया। जी 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 जी, जी। तो यादगार है बिल्कुल सर, ये इतना प्यारा इतना खूबसूरत बना हुआ है। ये बच्चे मतलब कि बड़ा हम जैसे बड़ा हम्बल होना पड़ता होगा, क्योंकि इंटरेस्ट मतलब इस तरह की चीज़ें इंटरेस्टिंग तब होती हैं जब टीचर्स और बच्चों के बीच का जो बॉन्डिंग है वो बड़ा मज़ेदार हो, बड़ा फ्रेंडली हो। ये बताऊं कि इस गोरखपुर में एक चीज़ की सबसे बड़ी खास बात है कि गोरखपुर में जो बच्चों के पास सबसे खूबसूरत चीज़ है वो ये है कि उसके पास मेधा बहुत है, एनर्जी लेवल खूब है सर। मैं तो कहता हूँ भाई कि गोरखपुरियों से पंगा नहीं लेने का सर, ने, ये मैं पंगा, हर फील्ड में ने, पंगा इन द सेंस मेरा अच्छे वर्ड में है। हाँ। कि जैसे लोग कहते हैं ना कि ऐसे वैसे कोई भी कंपटीशन होता है, अगर गोरखपुर का कोई बच्चा है वो पूरा सर जान झोंक देता है कि वो उसको जिंदगी और मौत से जोड़ लेता है। तो वो जो प्रयास करता है गोरखपुर के सराउंडिंग का, गोरखपुर का खास करके पूर्वांचल की बात करो, इसके पास एनर्जी है, मेधा है और उसके पास कर गुजरने की क्षमता है। ऐसा नहीं कि उसके पास किसी भी तरह का कोई भी लैकनेस है, कुछ नहीं लैकनेस है, सिर्फ कमी है अगर तो उसको एक डायरेक्शन की कमी है। आपके पास खूब अच्छी तरीके से आपके पास स्टीम है, जिसे चाहे तो आप अपना कुल मिला के स्टीम का इंजन चला सकते हैं, ठीक है, रेलगाड़ी चला सकते हैं, लेकिन उसको आपको एक डायरेक्शन में देना पड़ेगा। अगर वो डायरेक्शन नहीं दे रहे हैं तो आपका स्टीम हवा में उड़ जा रहा है, वो वेस्ट हो जा रहा है। तो सेम सिचुएशन केवल यही है कि बच्चों को जो सबसे ज़्यादा अगर आवश्यक है तो उनको एजुकेट करने की, उनको डायरेक्शन देने की और उनको डायरेक्शन देकर सही रास्ते पर ले चलने की, क्योंकि वो इतना खुद में टैलेंटेड है कि जरा सा डायरेक्शन पाने के बाद में तो वो सब कुछ कर सकता है जो आदमी सोच नहीं सकता है, दुनिया नहीं सोच सकती, वो ये काम कर सकता है। इतना पावर उसके पास है, उतना उसके पास मेधा, इतने पास करने की उसकी हिम्मत है, उसका कुल मिला के अंदर से कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत अच्छा है। इस इंटरव्यू के दौरान जो है प्रकृति को एक बात का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मौसम बिल्कुल ठंडा है, पिछली बार सर पसीने छूट रहे थे। मुझे लगता है शायद ये आपके लिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है। सर इतने बड़े बड़े ग्राउंड है यहाँ पे, जी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं आप? अरे सर खूब क्रिकेट। आपने वो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मैच देखा कि नहीं देखा? नहीं, ये अभी रिसेंटली जो हुआ था नहीं, हम तो थोड़ी सी व्यस्तता की 19 कितने वो वर्ल्ड कप का फाइनल कब था, 23 में शायद, 19 नवंबर का बदला ले लिया रोहित शर्मा ने। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया को हराया है अभी रिसेंटली? जी जी जी, ऑस्ट्रेलिया को हराया, वो मैच देखा था रात में बैठ कर, काफ़ी देर तक उसको देखता रहा। और रोहित शर्मा था तो वास्तव में बिल्कुल कहता है ना कि शानदार प्रदर्शन, हाँ 94 और आखिरी में लिया सर एकदम से तोड़ के रख दिया। और आखिरी में तो बुमराह ने भी जो अपनी गेंदबाजी की वो भी बड़ी जानदार गेंदबाजी की, ताकि ऑस्ट्रेलिया को तो बस दबाव में 4th विकेट गिरा, फिर उसके बाद 5वां छठा गिरता ही चले गए सारे के सारे। अच्छा सर, जब हम लोग क्रिकेट देखते हैं एक चीज का टीस रह जाता है, अगल बगल के तो लड़के खेल रहे हैं वहाँ पे, जैसे सूर्य कुमार यादव भी अपने यहाँ के हैं और एक दो और लड़के हैं, गोरखपुर से अभी एक लड़का कोई खेलना बाकी है? नहीं सर, बिल्कुल खेलेगा, ऐसा नहीं कि गोरखपुर, देखिए ऐसा है गोरखपुर में
अगर माना क्रिकेट में बच्चा नहीं गया है तो ये मानकर चलिए कि आपके दूसरे स्पोर्ट्स में बहुत नाम कमाया, रेसलिंग में अगर देखा जाए तो गोरखपुर का एक बहुत लंबे समय तक दबदबा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी मामले में कोई तरह से कमज़ोर हैं, हाँ क्रिकेट में थोड़ी सी प्रतिभाएं और उभरने की ज़रूरत है, लेकिन उस चीज़ के लिए हम लोगों को सबको भी प्रयास करना पड़ेगा कि उसकी जो एक नर्सरी होती है उसको भी हम लोगों को ही पैदा करना पड़ेगा, उसकी देखरेख भी हम ही को ही करनी पड़ेगी। हम लोगों को उसको कहीं ना कहीं ऐसा संरक्षण देना पड़ेगा ताकि उसकी नर्सरी बढ़ सके, फुलवारी बन सके, बाग बन सके। तो ये थोड़ा सा ये सर मैनेजमेंट का कोर्स आपने बढ़वाया है पिछले साल से? मैंने मैनेजमेंट के साथ साथ में पिछले साल में और इस साल में कई चीज़ों के कोर्स में वृद्धि हुई है। मैं उसके लिए तो सर बधाई दूंगा, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी था होटल मैनेजमेंट का अपने पूरे पूर्वांचल में। मुझे पूर्वांचल, अगर मैं बेसिकली गोरखपुर की बात करूं, क्योंकि पूर्वांचल में एक बड़ा स्थान रखता है गोरखपुर, तो गोरखपुर में शायद नहीं था होटल? नहीं, कहीं नहीं था। गोरखपुर के आसपास में आप कह सकते हैं ना, खलीलाबाद है, बस्ती है, बलिया है, गाजीपुर है, मऊ है, आजमगढ़ है, देवरिया है, कुशीनगर नगर है। जी सर, मेरे पास ना लगभग एक साल में, जैसे कि जब ये एडमिशन के दौरान दो चार पांच बच्चे जो अपने जान पहचान के हैं, जो मुझसे हमेशा राय लेते हैं, दो चार पांच बच्चे ऐसे हमेशा कॉल करके पूछ ही लेते हैं, भैया ये गोरखपुर में होटल मैनेजमेंट कहाँ होता है? जी जी, मुंह लटक जाता था सर, जैसे ना बुरा लगता है कि ये चीज़ नहीं है। और सर देखिए, कितना मैं आपको बताऊँ, इस समय का सिनारियो वो सिनारियो है कि आपको प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। एक समय तक जहाँ ट्रेडिशनल पढ़ाई करके आदमी अपने जीवन को पूर्ण कर लेता था, अब ये प्रोफेशनल एजुकेशन का समय आ गया। आपको एक खासियत अपने अंदर रखनी पड़ेगी, एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। इसी के अकॉर्डिंग होटल मैनेजमेंट का आज के दिन स्वरूप देखिए, होटल मैनेजमेंट में आप होटल इंडस्ट्री में जा सकते हो, इसके आप टूरिज्म डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, और ये दोनों जो इंडस्ट्री है इसका इतना ब्राइट स्कोप है। अरे यहाँ पे सबने स्टीरियोटाइप बना रखा है कि होटल मैनेजमेंट, अच्छा वो होटल होटल में जाना है सर्व करना, ये बस यहीं तक नहीं सर, वो यही गलत बात है। उसके होटल मैनेजमेंट का मतलब आदमी ये समझता है कि हम वेटर बनेंगे, सर ये मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा जी। सर होटल मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप उसकी व्यवस्थाओं की टॉप टू बॉटम सारी चीज़ की व्यवस्था आपको देखनी है, उसी का ही बनने वाला, उसी का पढ़ने वाला बच्चा आगे चलकर सेफ बनता है। इसके अलावा आप उसकी व्यवस्थाओं में अगर देखेंगे तो उसको इतनी लाइन है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट में जाकर अपने भविष्य को उसमें साकार कर सकता है। मेरे एक जानने वाले हैं, मेरी एक वीडियो एडिटर है सर जी, तो उसके चाचा जो है होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके शायद इस वक्त इंग्लैंड में है, पहले वो वहाँ रहते थे, ये जो अभी रिसेंटली वो कौन सी टीम बाहर गई है, एक साउथ अफ्रीका ने किसको हराया है अभी, अरे वो क्रिस गेल कहाँ का है, वेस्ट इंडीज़ का, पहले वो वेस्ट इंडीज़ में रहते थे, अभी इंग्लैंड में है। अच्छा। और सर वो हर महीने ज़मीन लिखवाते हैं। हाँ तो बिल्कुल सर, मैं बता तो रहा हूँ सर, ये इंडस्ट्री है, बड़ी पोटेंशियल है। अब मैं आपको बताऊँ कि हमारे यहाँ जो इस वक्त बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा संजोग भी आप देखिए, गोरखपुर पिछले 6 सालों में 7 सालों में जिस तरह से बूम किया है, डेवलप किया है, अप्रत्याशित किया। मैं तो उसी पे अगला सवाल भी पूछने वाला था। अच्छा दूसरे पे आप आइए, तो आपसे 100 किलोमीटर दूर आपका पड़ता है अयोध्या। अयोध्या बिल्कुल डिजास्टर चेंज हो गया, बिल्कुल चेंजेज आ गए। 200 किलोमीटर आपका बनारस है, बनारस की स्थिति बिल्कुल बदल गई। कुशीनगर को भी कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं इंटरनेशनल वहाँ पे विकास के पंख लग गए, तो वो बढ़ गए। तो आपके आसपास के जो ये 4 शहर हैं, गोरखपुर हो गया, बनारस हो गया, अयोध्या हो गया और कुशीनगर हो गया, ये चारों इतने बढ़िया पर्यटन स्थल हो गए हैं कि वहाँ पर लोगों की एक तो आमद बढ़ गई, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ गई, होटल्स के इतने स्कोप बढ़ गए, होटल इतनी इंडस्ट्रीज खुल गई, तो अब उनको आदमी तो चाहिए, अब तो उनको आदमी चाहिए ना, आदमी मिल ही नहीं, और वेल एजुकेटेड चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के दिन अगर कोई फॉरनर आएगा या बाहर के डेलीगेट्स आएगा तो ये चाहता है कि उसको जो उसका वेलकम हो, उसकी हॉस्पिटैलिटी हो, वेल एप्टीट्यूड हो, तो वो उसको चाहिए प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ के बच्चे हो रहे हैं, वो उनको अभी से उन होटल्स की डिमांड आ रही है कि सर अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजिए, हमारे यहाँ भेजिए, हम प्लेसमेंट उनका अभी कर देंगे। हम कहे भाई हम प्लेसमेंट तो करा लेंगे सी, लेकिन उनकी जो थोड़ी अभी एजुकेशन बाकी है वो पहले पूरी करा दे, तब हम उनको। अच्छा सर, थोड़ा सा आप सवालों को थोड़ा सा मोड़ते हैं। जी सर, 4 तारीख को सर रिजल्ट आया था पिछली बार, मतलब ये पिछली 4 तारीख। हाँ अच्छा अच्छा, दिल्ली की सरकार का, दिल्ली के सिंहासन का। तो मोदी जी कैसा नेता लगते हैं आपको? देखिए
विजनफुल तो नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। सर्वमान्य नेता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। जो कोई भी इस तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें कोई कमी है या इनमें इन्होंने हिंदुस्तान के लिए कम किया, लेकिन हमारी और आपके टेस्ट अलग हो सकते हैं, अपेक्षाएं अलग हो सकती हैं। जैसे आपको बरसात का हो सकता है मौसम अच्छा लगता है, हमें जाड़े का अच्छा लग रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा बरसात से कोई दुश्मनी है। आपको बरसात पसंद है, लेकिन मुझे कोई ऐसा नहीं कि मुझे बरसात से दुश्मनी। अगला सवाल भी यही है कि सर राहुल गांधी कैसे लगते हैं? हाँ, दोनों की बात देखिए, हर एक अंदर आदमी के अंदर खासियत छुपी होती है, हर एक आदमी में एक खासियत है। वो उसको खासियत को कितना प्रेजेंट करता है, हम उसको कितना लाइक करते हैं, वो लाइक करना वो हमारे अपने विवेक पर डिपेंड करता है। हाँ, कुछ मुद्दों पर भी मैटर होता है, लेकिन देखिए सब मुद्दों से बड़ा केवल एक ही मुद्दा है, वो राष्ट्र है। देश प्रेम से बड़ा, देश से बड़ा कुछ नहीं है। अगर देश ही नहीं रहेगा तो हम अपने कॉलेज को, हम अपने घर को, हम अपने परिवार को लेकर क्या करेंगे? यहाँ सल्तनत की सल्तनत बदल जाती है, दूसरी के सल्तनत के अंदर को कुल मिला के मर्ज हो जाती है, तो हमारा तो सब कुछ खत्म। अच्छा, हो गया। टफ कंपटीशन इस बार देखने को मिला पॉलिटिक्स में, देश के पॉलिटिक्स में, तो ये थोड़ा हेल्दी था? आप मतलब आपको नहीं क्या होना लगता तो यही चाहिए था। विपक्ष अगर मजबूत रहेगा तो जनता की अगर कोई आवाज है तो उसका वो मजबूती और दमदारी से संसद में अपना पक्ष रख सकेगा, सदन में सवाल जवाब, सदन में जवाब सवाल। अच्छा, कुश्ती वहीं का देखने में मजा आता है? नहीं, कुश्ती तो खैर कुल मिला के कुश्ती जैसा माहौल ना हो तो बेहतर है। कुश्ती इन द सेंस कि सवाल जवाब तगड़े तगड़े हो। हाँ, सवाल जवाब तगड़े तरीके से, बिना किसी सवाल जवाब के कोई बिल ना पास हो। नहीं, नहीं, सबकी जवाब देही तय हो। सीधी सी बात है, अंकुश सब पे होना चाहिए, बिल्कुल, डर सबको होना चाहिए, दबाव सबके ऊपर बनना चाहिए। विपक्ष का काम ही यही है कि वो जनता की आवाज बनता है। बिल्कुल, अगर सत्ता इसके लिए निरंकुश हो रही है, सत्ता चीजों को नहीं सुन रही है, तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उसके कान पे आवाज तक पहुंचावे, उसकी चौखट तक पहुंचे, उसके कान में आवाज पहुंचावे कि नहीं, आप गलत कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए। हारना जीतना एक अलग का मैटर है। हम अपनी कैंपस की तरफ बढ़ना चाह रहे थे जी, हम अपनी बात कहें तो ये विपक्ष ही कहेगा, विपक्ष ही हमारी बात को दमदारी के साथ कहेगा, और कहना भी चाहिए। भाई 140 करोड़ का लोकतंत्र है, छोटी मोटी बात थोड़ी ना है। सर, मैं जब आपका कैंपस देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार अगर कभी मैं मतलब मेरा मन उब जाए पत्रकारिता से और मैं भी कुछ स्कूल खोल लूँ, कैसा सर माहौल कैसा रहेगा? मतलब अरे हम सर, हम जैसे लोग कर पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल कर पाएंगे सर, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि भगवान किसी दूसरे बंदे को भेजता है, ये हम ही आपके बीच में से बंदे हैं जो इसकी व्यवस्था को देख रहे हैं, और आप जैसे हम जैसे सारे लोग इसको कॉलेज का संचालन, हाँ बस किसी चीज़ का संचालन कीजिएगा तो एक मानसिकता बनाकर चलिएगा कि इस क्षेत्र की हम जनता का कितना लाभ दे सकते हैं, कितना उसको फ़ायदा दे सकते हैं। क्योंकि आपकी प्रॉफिट होना, आपकी अर्निंग होना एक आपके परिवार के लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, बाबा साहब कहते थे। हाँ, और ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत शिक्षा होना ज़रूरी है। आप रोटी दो खाए बजाय एक खाइए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षित ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा अगर शिक्षित हुआ, देखिए साहब इस हिंदुस्तान को अगर विकासशील से विकसित की तरफ हमें ले जाना है तो हमें मान कर ये चलना पड़ेगा कि बच्चों को शिक्षित होना पड़ेगा, स्किल्ड होना पड़ेगा। अगर शिक्षित होएगा तभी वो आगे हम विकसित की तरफ बढ़ सकेंगे। सर, आप विकसित की बात कर रहे हैं और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं पिछली बार आया था, BIT के कुछ लड़के जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कंपटीशन, तो क्या हुआ वो मामला, कहाँ तक सर मामला? तो ये हुआ कि मैं आपको बताऊँ कि उसके उस समय तो कंपटीशन एक चल ही रहा था, उसके बाद तीन कंपटीशन और हुए। नेशनल लेवल पर हमारे बुद्धा के बच्चों ने फर्स्ट प्राइज जीता है सर। क्या बात है, 1,00,000 रुपये का प्राइज मिला और नेशनल लेवल पर जीता है सर, और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ सर। और उस नेशनल लेवल कंपटीशन का जो कार्यक्रम में फर्स्ट प्राइज जीता, हमारे यहाँ के ऑफिसर, हमारे बच्चे वहाँ पे पहुँचे, जब वहाँ पे तो उन लोगों ने महसूस किया कि भाई एक छोटा सा कॉलेज बुद्धा गोरखपुर, छोटा सा, छोटा तो नहीं, नहीं अब भाई पूरे कैंपस एक बार घुमा के आप पूरे हिंदुस्तान के अगर सिनारियों में अगर आप देखें तो बहुत छोटा सा है हमारा गोरखपुर और बहुत छोटा सा हमारा कॉलेज। लेकिन उन्होंने कहा कि आपके कॉलेज के बच्चों की जो मेघा है, जो प्रतिभा है, और जो उनको शिक्षण किया जा रहा है, शिक्षित किया जा रहा है, नो डाउट उसका ही ये रिजल्ट है।
कि आप लोगों ने इसका फर्स्ट प्राइज़ जीता, और ये सर हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था सर। हम लोगों को फर्स्ट प्राइज़ पाने के बाद अपने आप में मैं खुद में गर्व हुआ। अच्छा, कि वो लड़का बड़ा कॉन्फिडेंट था, मैं उससे बात किया, मैं सर मैं लिटरली बता रहा हूँ कि ऐसे मैं उसका इंटरव्यू कर लिया, मैंने माइक रखा और फिर मैं उससे पर्सनली ऐसे बात करने लगा। मैंने कहा बाबू ये बताओ कि इतना दिमाग और इतना डेडिकेशन, क्योंकि वो कुछ घंटों में मतलब कि तीन चार दिन रात दिन जाग के वो लास्ट टाइम पे लास्ट मोमेंट पे वो प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था। जी, और जी, उस धन्य है वो टीचर जो बगल उसके में साथ लगे हुए थे, लगे बाप रे बाप, दोनों की आंखें सूजी हुई थी। और मैं पूछ रहा हूँ बाबू मतलब कि ये कहा भैया जब जुनून सवार होता है तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। और उसकी ये लाइन सर ना मैं मतलब कि मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा, उसने बस एक ये लाइन में दिल जीत लिया, कहा कि सर जब जुनून सवार होता है तो कुछ पता नहीं चलता। देखिए आप जब तक जुनून की हद पे नहीं जाएंगे जी, तब तक आपको मान कर चलिए सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी जी, जैसे सकारात्मक रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप जुनून की हद पर चले गए कि मुझे ये करना ही करना है। और ये फैसला जब आप कर लेते हो कि कहते हैं ना कि मुझे ये चीज हर हालत में हासिल करनी है, तब चीज़ें मिलती हैं। सर हम लोग आप सोचे हैं, हम लोग जब पढ़ते थे हाँ, तो जैसे हम लोग के जो टीचर होते थे जो सब डायरेक्टर सर होते थे हाँ, तो ऐसे ही रास्ता बदल लेते थे बच्चे हम लोग तो ऐसे ही बदल लेते थे जैसे बच्चे बदल लिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए वो तो किसी दूसरे कारण से गए होंगे हाँ, और देखिए लेकिन सर ये रहता था कि रिस्पेक्ट की वजह से ही कि सर उधर से आ रहे हैं तो भैया धीरे से। ठीक है ये कह सकते हैं, लेकिन जैसे क्या है ना कि एक बच्चे देखिए क्या है ना, महसूस ये कीजिए कि टीचर का खौफ होना चाहिए, टीचर के रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन टीचर के साथ स्टूडेंट का अच्छा एक संवाद भी होना चाहिए, संवाद भी बढ़िया होना चाहिए। कारण क्या है कि हम केवल ये सोचे कि हमारे साथ उसकी बॉन्डिंग न रहे, हमसे केवल वो डरे ही डरे, तो अपनी बात वो कह नहीं पाएगा। और फिर अगर हम उसकी बात सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, या वो हमसे कह नहीं पाएगा, तो उसकी समस्या का निवारण नहीं होगा। सर ये आसान होता नहीं है, जैसे कि माँ बाप ठीक है पाल लेते हैं, लेकिन करियर बनाने की सारी जिम्मेदारी टीचर के ऊपर होती है, और वो जब बॉन्डिंग नहीं रहेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया है ना, किसी बुजुर्ग ने कहा ना कि बच्चा जब आपका बड़ा होने लग जाए और उसका जूता उसके पैर में आने लग जाए, यानी बच्चे के पैर में आने लग जाए, तो आपका वो दोस्त हो जाता। तो किसी स्तर से वो हमारा छात्र भी है, बच्चा तो वो हमारे लिए है ही भाई, उसके गार्जियन तो हम हैं ही भाई। 8 घंटे गार्जियन उसके पिताजी हैं, तो 8 घंटे गार्जियन हम हैं, तो उसके माता पिता से कम हम भी नहीं हैं, उड़ते हम भी गार्जियन हैं। लेकिन उसके पैर में जब मेरा जूता आने लग गया Then तो वो बट ऑब्वियस है कि हम उससे एज ए फैमिलियर एज ए फ्रेंड बनकर भी बात करें तो चीज़ें घुलेगा, मिलेगा, बातें करेगा, तो बहुत सारी चीज़ें। कितने डिपार्टमेंट हो गए अब तक? सर डिपार्टमेंट तो इस समय हमारे पास 18 कोर्स हो गए हैं। 18 हाँ, एमटेक है, बीटेक है, डिप्लोमा है, डी फार्मा है, बी फार्मा है, बीबीए है, बीसीए है, बीकॉम है, बीएससी है, पैरामेडिकल है, BA LLB है, LLB है, MCA है, MBA है और ITI है, ये सारी चीज़ें हैं। ये मुझे बताना रहता तो थोड़ा सा मुझे लिस्ट निकाल के देखना पड़ता। और कुल मिला के 18 कोर्स हो गए हैं। और अच्छा सर ये बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल वगैरह का भी यहाँ सब सेपरेट सारे बॉयज़ हॉस्टल हाँ। गर्ल्स हॉस्टल है। अच्छा जितने भी कॉलेजेज हैं हाँ। ये हमारे डिफरेंट अलग अलग बिल्डिंग में है सारे के सारे, ऐसा हाँ, नहीं वही मैं इसीलिए पूछा हाँ, सबकी अलग बिल्डिंग देख सकते हैं उधर थोड़ा सा दिखाइए, सारे बिल्डिंग्स अलग है, मुझे लगता है कि मैनेजमेंट वाला वो है। सबकी बिल्डिंग ये है, इसके पीछे भी हमारे यहाँ की बिल्डिंग है, जो बिल्डिंगें देख रहे हैं इसके पीछे भी बिल्डिंग बनी हुई है। अभी हम आपको ले चलते हैं वहाँ पे, तो हाँ आइए चलिए। तो सारे डिफरेंट अलग अलग सर मेरी निगाहें तो कैंटीन ढूंढ रही हैं। हाँ आइए सर कैंटीन चलते हैं। जब BIT की शुरुआत हुई थी जी सर, तो BIT की जब शुरुआत हुई थी तो जो है सर जो पहला मतलब कि दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि शुरू से आप जुड़े हुए हैं और एक बड़ा टफ चैलेंज था कि किस तरह से इसको आगे लेके चलना है। BIT की शुरुआत हुई थी तो 240 से यात्रा चालू हुई थी, 240 बच्चों का फर्स्ट ईयर में हम लोगों को इनटेक मिला था, वहाँ से हम लोगों ने BIT 2009 में स्टार्ट किया था। 12 सितंबर 2009 को पहली बार बेल बजी थी और पहली क्लास हमारे यहाँ लगी थी। अच्छा हाँ, उस समय दिमाग में ये था कि इस बुद्धा को बेस्ट बनाना है, केवल गोरखपुर में नहीं, इस पूरे पूर्वांचल में नहीं, सब में बेहतर बनाना है। उस बेहतर बनाने के लिए इसको तीन आप सेगमेंट में आपको स्ट्रांग होना ज़रूरी है। पहला नंबर एक, आप मानकर ये चले कि आपको बेस्ट टीचर प्रोवाइड करने होंगे, जो आपका एक्सपीरियंस टीचर हो, वो बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित कर सके।
और इस चीज़ का शुरू से बुद्धा ने पूरा ध्यान रखा कि हम अपनी टीचिंग क्वालिटी से कोई भी 1% का समझौता नहीं है। टीचिंग मामले में किसी भी तरह का कोई सोर्स नहीं है, टीचिंग व्यवस्था में किसी भी तरह का ये नहीं है कि किसी दबाव में किसी का उसका अपॉइंटमेंट किया गया, ना किसी का कोई दबाव नहीं। जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जो उसकी स्किल है, अगर वो इसके लायक है कि वो हमारे बच्चों को अच्छे एजुकेशन दे सकता है तो उसको ही अपॉइंट किया गया। नंबर एक जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है टीचर की, सेकंड प्रायोरिटी जो हमारी वो लैब है, वो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी की लैब होनी चाहिए। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में बच्चा स्ट्रांग नहीं होगा, टेक्नोलॉजी में स्ट्रांग कैसे होगा जब तक उसकी लैब प्रैक्टिकल्स पूरे नहीं होंगे। अगर उसमें स्ट्रांग है तभी वो आगे जाकर अपने आप को स्टेबल कर सकता है। तो इसमें कोई भी समझौता नहीं, बढ़िया से बढ़िया मशीन, बढ़िया से बढ़िया उपकरण, बढ़िया से बढ़िया तरीके से उसका प्रैक्टिकल कराने वाले जो लैब टेक्नीशियन, उस सारी चीज़ों की व्यवस्था नंबर दूसरी। और तीसरा जो मेजर पॉइंट है जो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस बच्चे का प्लेसमेंट होने के लिए उसको तैयार करना और प्लेसमेंट कराना। तो फर्स्ट ईयर से ही हम व्यवस्था ये करते हैं कि जैसे इस पूरे गोरखपुर में अगर देखा जाए तो जो सबसे अगर ड्रॉबैक पड़ता है तो यहाँ की लैंग्वेज को लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों को, बाहर के लोगों को ये रहता है अरे यार गोरखपुरिया है तो उसकी जो लैंग्वेज, लेकिन सर ये परसेप्शन खत्म हो रहा है, परसेप्शन खत्म हो रहा है। लेकिन जैसे आज भी हमारी आपकी मानसिकता तो बदल चुकी है, लेकिन जो गोरखपुर से बहुत ज़्यादा घुला मिला नहीं है उसके दिमाग में है, भले कम हो गई है, उसको और ख़त्म करने के लिए इज्जत मिलती है, फुल फुल इज्जत है। अरे फुल इज्जत का लायक हैं यहाँ के लोग, और इज्जत के लायक पहले थे भी अभी भी थे, लेकिन हाँ कुछ गलत मिथक थे जिसके कारण से थोड़ा सा लोगों के दिमाग में प्रिस्क्रिप्शन गलत बना था, अलग छवि बना था। लेकिन अब बहुत बदल चुका है, गोरखपुर की वजह से सर पूरे प्रदेश में अपराध कम हो गया। अरे आप पूरे हिंदुस्तान में आप मान कर चलिए, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया जा रहा, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देखिए मैं यहाँ पे एक चीज आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, मैं सवाल पूछता हूँ, जब गलत होता है तो सवाल पूछता हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि मुझसे बेहतर सवाल आप गोरखपुर में किसी और को देखते होंगे पूछते हुए। ये बात कहना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि हाँ वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनकी तारीफ भी होनी चाहिए। बार बार हम लोग तो सवाल तो पूछते हैं, जब गलत होता है सवाल पूछते हैं, चोरियाँ हो रही हैं लगातार इधर, उस गैंग के ऊपर नकेल कसने के लिए सवाल पूछा जा रहा है, तमाम और छोटी मोटी जो घटनाएँ होती हैं हम लोग सवाल पूछते हैं। लेकिन ये भी उसके साथ साथ एक हकीकत है कि चीज़ें पहले से बेहतर हुई हैं, बहुत बेहतर हुई है। लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा हुआ है, लाइन ऑर्डर इस तरह से अच्छा हुआ है कि अब किसी को अपराध करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि हमारे घर बुलडोजर पहुंच जाएगा, हमारा कुछ भी हो सकता है। कम से कम पेशेवर अपराधी तो शांत है। हाँ, पेशेवर अपराधी इन्होंने या तो प्रदेश छोड़ दिया है या तो उन्होंने अपराध का रास्ता ही बदल दिया है। तो मेरा अपना मानना यह है कि जो हम प्रैक्टिकल्स कराने के बाद जो बच्चों को प्लेसमेंट कराते हैं, तो प्लेसमेंट में हम सबसे पहले उसकी शुरुआत करते हैं बच्चों को, वहाँ पर हम 4 साल तक जो इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस कराते हैं, अच्छा पीडी की क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कराते हैं, ताकि बच्चों के अंदर एक अंदर से जो कहते हैं ना कि उनका चतुर्मुखी प्रतिभा का विकास हो, और वो विकास होने के बाद में जब वो बच्चा तैयार होता है तब कंपनी उसको हाथों हाथ लेती है। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, मैं 20 रुपये किलो का आलू खरीदता हूँ, आप खरीदते हैं, कोई भी खरीदता है, तो उस आलू को, एक आलू को 4-4 बार पलट कर देखता कि खराब तो नहीं है। सिंपल सी बात समझिए, बहुत सीधे सामान्य भाषा में, एक किलो आलू 20 रुपये की कीमत का है, उसको 4 बार पलट कर देखते कि खराब तो नहीं है। जो कंपनी आपको 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 सैलरी देगी, आप में क्वालिटी नहीं देखेगी। अगर क्वालिटी नहीं होगी तो लेगी आपको, हमें आपको उसके लायक बनाना, उस कंपनी के हिसाब से बनाना, ताकि कंपनी आपको तुरंत एक्सेप्ट कर सके। ये एक सिंपल सा मेथड है, और ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, इंटरव्यू वगैरह में जब कोई आलू की, प्याज की, टमाटर की बात करता है, नहीं नहीं तो, आप वहाँ सोने वाले पर पहुँच जाइएगा, तो मुझे दो लोगों की याद आती है, एक तो वो आलू से सोना वाला मामला याद आ जाता है जो कि कहुआ बनाया गया था, और मुझे स्मृति ईरानी की भी याद आ जाती है। उन्होंने सुधीर चौधरी को क्या हड़काया था, वो बहुत गलत था, उसकी निंदा मैं हमेशा करता हूँ। खैर सर, ये मुझे लगता है ये आपका, हाँ ये हमारा मेस है, मेस है, ये हमारी कैंटीन है, हाँ मेस है, तो पहले खाना खाते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ का मैंने, अच्छा आपने कैमरे में, मैं अपने दर्शकों से ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने कैमरे में देखा होगा लगातार आपको पेड़ पौधे मतलब चप्पे पे मिल रहे हैं। नहीं, हरियाली के मामले में तो कहना ये है ना कि
एक बच्चा एक पौधा, एक सीधा सिद्धांत है। अच्छा। हाँ हाँ, ये सिद्धांत है कि बुद्धा में एक बच्चा एक पौधा। हम बच्चों को यहाँ पे इस चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं कि वो यहाँ पर एक पौधा अपना लगा कर तो सर वीडियो में अपने कह के थक जाता हूँ कि भैया कम से कम एक पौधा तो लगा लो, बर्थडे वाले दिन लगा लो। और सर इतनी तेजी से कटाई हो रही है, नेताओं का क्या है सर, सदन में जाएंगे उनको मन, एक बात कह रहा हूँ, सारे नेताओं को नहीं कह रहा हूँ, दो चार सही हैं, लेकिन ज़्यादातर नेताओं का क्या है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सर कि वो। अच्छा एक चीज़ और हम ये देखते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए जो है गोरखपुर में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए जो है अच्छी अच्छी गाड़ियाँ अच्छे अच्छे घर बनवा रहे हैं, लेकिन उनके सांस लेने की व्यवस्था हम नहीं कर रहे हैं। ये दिक्कत आएगी ना, जब कहते हैं ना कि प्रकृति अपने अनुसार अपना बिल चुकता करती है। वो सर जिस दिन बिल काटेगी बड़ा महंगा पड़ जाएगा। हम लोगों ने पहाड़ों का दोहन किया, ठीक है ना, हम लोगों ने तालाबों को सुखाने का प्रयास किया, हम लोगों ने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, तो प्रकृति भी अपना रौद्र रूप जब दिखाती है तो सब कुछ तहस नहस कर देती है। तब ये होता कि भगवान क्या अपराध कर दिए। तो ये कहावत है ना, 100 सुनार की और एक लोहार की। तो एक लोहार से सारा का सारा किस्सा धराशायी खत्म हो जाता। तो ये मेरा अपना मानना ये कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो भी बच्चा आता है, हम एक बच्चे से एक पौधे के लिए जरूर कहते हैं और उसको केयर करने की भी बात करते हैं। इसलिए आप जहाँ पे भी देखेंगे हमारे पूरे कैंपस में आपको पूरे में हरियाली मिलेगी और उसका पूरी की पूरी व्यवस्था ये में रहती है कि बच्चा लगाए, बच्चा उसको देखे। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, आपका पूरा कॉलेज है, आप सब जगह जा सकते हैं। तो सर सब मिला जुला के ये BIT कैंपस की सबसे खास बात मुझे यही लगी, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। और देखिए थोड़ा सा जो है ना, एक ये वर्ड, इस शब्द का इस्तेमाल मैं नेताओं के लिए करता हूँ अक्सर जब वो अच्छा नहीं करते हैं, कि चुल्लू भर पानी दाएं बाएं से देख लीजिए। देखिए पेड़ लगाइए आप लोग, नहीं अगर लगा सकते हैं तो फिर दिक्कत है भाई। पेड़ नहीं लगाएंगे तो आप ये मान कर चलिए ना कि ऑक्सीजन खरीद कर अगर आपको यूज़ करनी पड़ी तो एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल रिसेंटली मिला ही था। कोविड के दौरान ऑक्सीजन की जो हम लोगों को अवेलेबिलिटी थी कि एक एक सिलेंडर के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए आदमी ने अपने क्या क्या चीज़ बेचने को और क्या क्या भुगतान करने को तैयार नहीं था कि किसी तरह से बस मिल जाए। तो वो मान कर चलना पड़ेगा, प्रकृति के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो प्रकृति अपने ऊपर किए गए खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। बर्दाश्त नहीं करेगी और वो बैलेंस कर ही बैलेंस करती है साहब, सीधी सी बात है। अच्छा सर आखिरी में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछली बार नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने थे, मतलब कि जो प्लेसमेंट का हुआ, प्लेसमेंट को लेकर। सर हमारे यहाँ 1254 बच्चों, 1254 एक हज़ार। श्रीवास्तव जी जो है लगातार वो दौरे पे थे, मैं उसका उनका स्टेटस देख रहा था, वो बेचारे पूरा भारत भ्रमण किए। सर आप ये मान के चलिए कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट से संबंधित 7 लोगों की टीम है जो सिर्फ यही काम ही बच्चों के लिए करना, क्योंकि आप ये रहता है कि भाई हम आपकी कंपनी में बच्चों को भेज रहे हैं, मौका दीजिए। सर मैं भेज देने रहे, हम ऐसे नहीं भेजते, वो कंपनी आके हमारे यहाँ से बच्चों का कैंपस करती है। अच्छा कैंपस सिलेक्शन, कैंपस सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। 1254 बच्चों का जो हमारे यहाँ से। सर बहुत बड़ी बात है, 1214 बच्चे, मतलब 54 बच्चे, 1254। कारण क्या है कि देखिए सर, कैंपस में आकर उसका सिलेक्शन करना ताकि उसका वो बच्चे का इंटरव्यू भी लेती है, रिटन एग्जाम भी कराती है, उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ सर, तो उसके पीछे रीज़न केवल ये है कि हम बच्चों को उतना तैयार करते हैं। हम देखिए आपको ये दिखता होगा कि हुसैन बोल्ट ने कुछ सेकंड में 100 मीटर की दौड़ जीत ली, ठीक है ना, लेकिन हुसैन बोल्ट का आप अगर बायोग्राफी पढ़िए तो उसने उसने कहा था कि मैं 10 सेकंड में तो माना इतना 100 मीटर दौड़ गया, वो आपने वो समय देखा, लेकिन मैंने कुल मिला के जो पूरे 4 साल तक जो सवेरे उठकर 4 घंटे, शाम को 4 घंटे के लिए जो मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ, मैं जो अपना पसीना बहाता हूँ, उसका रिजल्ट वो आपको 10 सेकंड की दौड़ में दिखता है कि हुसैन बोल्ट ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हुए। उस एक मोमेंट के लिए 4 साल की तपस्या थी। तो ये वन डे की मैटर नहीं है, वन डे का आपका अचीवमेंट नहीं होता, बिल्कुल, बिल्कुल। ये 4 साल तक के लिए सतत प्रयास है, अनवरत चलते रहने का, बच्चे का भी, बच्चे के साथ में यहाँ के टीचर्स का भी, यहाँ के टीचर्स के साथ में यहाँ पे जो लैब के प्रैक्टिकल्स कराते हैं उनका भी, और हमारी प्लेसमेंट टीम का भी। अच्छा मैं आपको कैंपस सिलेक्शन का एक मजेदार बात बताऊँ, ये गाँव में चर्चा होती है, कोई लड़का हमारे वहाँ से कैंपस से सेलेक्ट होकर जाता है और उसकी ठीक ठाक पैकेज रहती है तो लोग कहते हैं कि अब इसका दहेज बढ़ गया। देखिए सर हालांकि ये गलत बात है।
आमतौर पर चर्चा होती है। नहीं वो सही है, जो चीजें स्वाभाविक है वो देखिए दिमाग में सबके आ जाता है कि भाई ठीक है भाई अब पढ़ लिया है नौकरी पा गया है तो दहेज का हकदार हो गया है, दिमाग में आ जाती है, स्वाभाविक है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि देखिए उसने एजुकेशन क्यों ली है, एजुकेशन इसलिए ली है कि हमारा सिलेक्शन हो, अच्छे पैकेज पे हम जाएं। और अच्छे पैकेज पे जब वो जाता है तो बट ऑब्वियस है कि उससे दूसरे लोग और प्रेरित होते हैं बिल्कुल। और एक बात ये समझ के चलिए कि ये एक सर्किल है, सर्किल इन द सेंस कि जब गांव में दो बच्चे तीन बच्चे या एक बच्चे का पढ़ाई हो जाने के बाद में सिलेक्शन हुआ तो वो अपने बाकी लोगों के लिए एक तरह से माइलस्टोन हो जाता है, नज़ीर हो गया। अब नज़ीर इस तरह से हो गया कि अरे यार वो फलाना हुआ है तो हम उसको कॉपी करें, तो ये चीज़ होनी भी चाहिए, ये चीज़ स्वाभाविक है। अब अच्छा। इस इंटरव्यू में थोड़ा सा मैं भी अपनी पीठ थपथपा लेता हूँ सर। जब मैं गोरखपुर आया था नोएडा छोड़ के मेन स्ट्रीम को, बड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे पत्रकार, मुझ जैसे लोगों को वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। मैं आया तो यहाँ पर इतना भीड़ नहीं था, जो डिजिटल मीडिया वाले इतनी भीड़ नहीं थी। जब मैं चलना शुरू किया तो मैं गांव की पगडंडियों पे चलता था और लगभग 1000 से अधिक गांव को पैदल चल के कवर किया हूँ। ये कीर्तिमान भले से कहीं दर्ज नहीं है लेकिन मेरे कैमरे में और मेरे रिकॉर्ड्स में है और इस बात का मुझे गर्व भी होता है। उसके बाद से फिर एक 6 महीने जब वो ग्रोथ हुआ उसके बाद से फिर एक बाढ़ सी आ गई। इसके बाद से फिर इतने सारे डिजिटल मीडिया के लोग, मैं जब आया था 2-4 थे बस, मुश्किल से 2-4 थे और इस समय तो मैं गिन नहीं पाता हूँ। नहीं गिनने की ज़रूरत भी नहीं है। आज भी देखिए कोयले के ढेर में अगर हीरा पड़ा है तो हीरा हीरा ही रहेगा, उसकी कीमत हीरे के जो है ना वो जोहरी ही जानता है। तो समाज में आपकी जो उपलब्धता है, आपकी जो उपस्थिति है, आपका भले ही आपके जैसे 200 लोग और हो जाए, 400 हो जाए या 2000 भी हो जाए, मुझे इस बात की खुशी भी उसका कोई फर्क नहीं है। वो लोग हैं अच्छे से काम करें, मुझे इस बात की खुशी भी होती है। करना तो सबको चाहिए देखिए अच्छे से काम। कारण क्या है कि मीडिया का मतलब, मैं मीडिया को कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी आरोप प्रत्यारोप के, मीडिया का मतलब ही यही है कि वो जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ ही तो है भाई। जहाँ तक मैं नहीं पहुँच सकता हूँ मीडिया मेरी बात को पहुँचाएगी। मेरा तो बस यही कहना है कि हमारी जनता या हम लोगों की आवाज़ मीडिया ही है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि भाई जैसे जुडिशल से उम्मीद करते हैं कि भाई हमें आपसे न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा बिल्कुल। हमें आपसे उम्मीद यही रहती है कि आप हमारी बात को वहां तक पहुंचाएंगे बिल्कुल। और आप पहुंचाते भी हैं, आपके जैसे जितने भी अन्य लोग हैं मीडिया है, वो पहुंचाती भी आवाज़ है। देखिए प्रेस्क्रिप्शन में दो एक अगर, वो तो सर रहना है, कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पे 100% बस, तो अगर उसमें दो एक हैं तो देखिए जो सर्वाइवल द फिटेस्ट वाला है, जो अच्छा है वो हमेशा लंबे समय तक टिकेगा। दो एक अगर 19-21 होंगे तो वो मार्केट से अपने आप किनारे हो जाएंगे, अपने आप किनारे हो जाएंगे, किनारे कर दिए जाएंगे बिल्कुल। अब हम लोग इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पे हैं और आखिरी पड़ाव पे सर कुछ कहना चाहेंगे? कहना बस एक ही चीज़ के लिए है, इस पूरे गोरखपुर में और पूरे गोरखपुर कहूँगा पूरे पूर्वांचल में बिल्कुल जितने भी अपने, उन सारे जो भी अभिभावक हैं वो इस चीज़ के लिए हमेशा अपने आप को माइंडसेट कर ले कि एनी हाउ हमें अपने बच्चे को स्किल्ड करना है बिल्कुल, एजुकेट करना है, एनी हाउ किसी भी तरह से करना है। पैसा कम है हम एजुकेशन लोन लेकर कराएं, पैसा कम है तो अन्य किसी स्रोत से, जैसे हम आपको ये भी कह सकते हैं कि जो बच्चों की फीस का है थोड़ी थोड़ी जमा कर रहे हैं, कॉलेज आपको बुद्धा तो मैनेज करता ही है इस चीज़ के लिए कि आपको पार्ट पेमेंट करना है। इस चीज़ को चार किस्त किया है साल भर में चार किस्तों में आप धीरे धीरे जमा कीजिए, तो चाहे धीरे धीरे पैसा जमा करके कीजिए, चाहे एजुकेशन लोन करवा के उसका भुगतान कर दीजिए। आप अपनी सुख सुविधाओं को थोड़ा सा कर्टेल कर लें जो भी परिवार के अभिभावक हैं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें, क्योंकि आपके बच्चों के शिक्षित होने से ही आपका परिवार का, समाज का, राष्ट्र का तभी विकास संभव है। अशिक्षित अगर रहेंगे तो आप ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा आपका विकास हो सकता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक हम स्किल्ड नहीं होंगे, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम अपने पैरों पर स्वावलंबी होकर खड़े नहीं होंगे, तब तक हमें दूसरों के टुकड़ों पर पलना पड़ेगा। और एक इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, एक ठेले वाला भी जो है अगर मान लीजिए काम
हजारों लाखों करोड़ों ठेले वाले हैं इस पूरी दुनिया में, लेकिन कोई ठेला वाला पढ़ा लिखा जब रहता है, एमबीए होल्डर रहता है, तो एमबीए चाय वाला बन जाता है और वो बड़ा नाम करता है। नहीं सर, पढ़ने तो लिखने जरूरी है, पढ़ने लिखने के बाद आपके बात करने का, आपका व्यवहार, आपके काम करने का तरीका बदल जाता है, बदल जाता है बिल्कुल। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके तरीके में कोई कमी है, उसके तरीके में भी कोई कमी नहीं, लेकिन पढ़े लिखे का तरीका बात करने का, प्रोग्रेसिव सोचना और दूसरा एक साथ में ये कि उसका जो माइंडसेट होता है ना वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, वो दुनिया देख चुका होता है, बच्चों को साथ में पढ़ा है, हॉस्टल में रहा है, तो वो चीज़ों को महसूस करता है कि शिक्षा का महत्व क्या है। इसीलिए शिक्षित होना सबके लिए जरूरी है, इस पर उनके जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को जरूर शिक्षित करें। और आजकल तो मैंने एक चीज़ और महसूस की कि हमारे यहाँ की अपनी बिटिया लोग, बालिकाएँ, लड़कियाँ इतना अधिक तरीके से शिक्षा पर उनका ध्यान दिया जा रहा है कि जहाँ कुछ साल पहले तक स्थिति ये थी कि लड़कियों को एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता था या आगे फ्रंट पे नहीं लाया जाता था या उनको बहुत ज़रूरी नहीं समझा जाता, बहुत ज़रूरी नहीं समझा जाता। अब मैं समझ रहा हूँ कि सर लड़कियों की उपस्थिति, लड़कियों की उपलब्धता और लड़कियों का शिक्षित होने का रेशियो बहुत तेज़ी से बढ़ा। बिल्कुल, तो मैं इससे सहमत हूँ। और अंत में कुछ बातें मेरी तरफ से भी, गोरखपुर में यदि आप रहते हैं, पूर्वांचल में यदि आप रहते हैं, तो देखिए मेरा पहला हमेशा से प्रायोरिटी पे गोरखपुर रहा है। अपनी माटी को पहचानिए, इसकी ताकत को पहचानिए, और ऐसे ही जो है जैसे रोहित शर्मा छक्के चौके की बरसात किए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आप अपने करियर को लेकर जो है एक प्रोग्रेसिव मानसिकता के साथ आगे बढ़िए और हमेशा अपने जमीन से जुड़े रहिए। बहुत बड़ा हुआ नहीं है जैसे कि बाहर जाके पढ़ाई करना, अगर आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें हमको अपने गोरखपुर में मिल रही हैं, देन ऑब्वियस आपको गोरखपुर को आगे बढ़ाना चाहिए। और जी सर, एक मेरा छोटा सा कहना इसी चीज़ पर और था कि हम गोरखपुर छोड़कर क्यों जाएं? बिल्कुल, हम अगर गोरखपुर शहर छोड़कर जा रहे हैं कहीं एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो आपको एजुकेशन के लिए अगर बेस्ट टीचर, बेस्ट लैब प्रोवाइड करने के लिए व्यवस्थाएँ, लैब कराने के लिए प्रयोगशालाएं आपको, और अच्छा प्लेसमेंट जब आपको यही मिल रहा है, तो आपको शहर छोड़कर जाने की आवश्यकता है भी नहीं। अच्छा भैया, ये ऐसे नहीं कह रहे हम लोग, ये बात मैं इसलिए, अच्छा मैं सिर्फ यहाँ पे ये बात नहीं कह रहा हूँ, जब नीट में या फिर जब आईआईटी के लिए या फिर जब यूपीएससी के लिए कहीं पे भी बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, तो मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, और जब यहाँ के लड़के जो है नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन को बीट करके फर्स्ट प्राइज लेके आ रहे हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया, तो ये तो पूरे देश के जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनको तो बीट कर रहे हैं ना यहाँ के लड़के, तभी तो वो आ रहे हैं, तो नंबर वन तो यही है। और इस चीज़ के लिए आप हमेशा ये मानकर चले कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए कॉलेज कितना प्रयासरत है और कितना उसको इस चीज़ का रिजल्ट दे रहा है। जी, अगर संस्थान आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए 100% दे रहा है, पूर्णतया प्रयासरत है, और उसी की एक छोटी सी वानगी है, कह सकते हैं कि साल में होने वाले नेशनल, इंटरनेशनल या फिर कह सकते हैं स्टेट लेवल के जो कंपटीशंस हैं, जहां पर हमारे यहां के बच्चों को, इस बुद्धा के बच्चों को अगर पोजीशंस मिल रही है, फर्स्ट पोजीशन आ रही है, सेकंड पे आ रहा है या अच्छी पोजीशन मिल रही है, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बच्चों को उस ढंग से तैयार करते हैं ताकि बच्चा हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में अपना नाम कर सके। बिल्कुल, मैं इस बात से सर पूरा सहमत हूँ। बाकी जो है इस वीडियो को हम लोग यहीं पे अब क्लोज करेंगे, काफ़ी लंबे समय तक यह चर्चा चलती रही सर, इतना मतलब बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और मैं फिर से लास्ट में वही कहूँगा कि माइंडसेट, आपका विज़न, आपके अंदर की इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो है साधन महत्वपूर्ण नहीं होता, साधना महत्वपूर्ण होती है। बाकी साधन इतना उपलब्ध है आपके गोरखपुर में कि आप झंडा गाड़ सकते हैं पूरे विश्व पटल पर। जय हिंद।